जैसे कि आप टेबल पे कुछ सामान देख रहे हैं, तो आज हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि एक डिसोल्डरिंग स्टेशन है, और हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोफेशनल शॉप में, अपने घर पे जो है आसानी से ये तैयार कर सकते हैं और बहुत ही चीपली, बहुत ही सस्ते में डिसोल्डरिंग स्टेशन बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। अब हम वन बाय वन आपको हर पार्ट्स के बारे में उसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे कि उसको हमने कैसे बनाया है और वो क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके पंप की तरफ। ये पंप नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक चाइना मेड ब्रांड है, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी पैकिंग में मुझे मिल गया था। तो इसको वैसे तो गैस प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर आपके घर में गैस कम आ रही है तो उसको तेज़ करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है एज अ वैक्यूम पंप। ठीक है जी, देखें ये है इसका, वैसे जो नॉर्मल यूज़ होता है ये एज अ प्रेशर के लिए ये पोर्ट यूज़ की जाती है, और ये जो है सकिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो हमने क्या किया है कि इसको, अब हमारी क्योंकि ज़रूरत है सकिंग, तो हमने इसको यूज़ किया है। इसके साथ हमने लगा दिया है एक फिल्टर, जो कि आपको बड़ी आसानी से किसी भी ऑटो पार्ट्स की दुकान से आपको ये फिल्टर मिल जाएगा, जो कि गाड़ियों के पेट्रोल के लिए यूज़ होता है। तो इससे हम फिल्टर कर रहे हैं इसको, ताकि इसमें पंप के अंदर जो है वो गन आसानी से ना जा सके। दोस्तों ये देखें, ये वैक्यूम साइड का पोर्ट है, इसमें हमने पाइप लगाया, देखिए पाइप के साथ फिल्टर लगा दिया, और देखें फिल्टर के साथ ये देखिए पाइप लगाया, और ये पाइप आपको किसी भी मोटरसाइकिल की स्पेयर पार्ट की दुकान से आपको मिल जाएगा। आप देखें यहाँ तक ये कॉपर पाइप के साथ 1/4 का कॉपर पाइप है, वो लगा दिया गया। अब हम आपको इसकी डिसोल्डरिंग आयरन के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, और ये है तकरीबन ये 40 वाट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ये काम करती है, तो ये आपको आसानी के साथ मार्केट में मिल जाएगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे मैंने एक सुराख किया, इसके साथ थोड़ा सा इसके लिए मैंने वो की यूज़ की टेक्निक यूज़ की, ताकि इसका जो नॉर्मल सिस्टम है वो भी डैमेज ना हो और हमारा ये जो है ऑटोमेटिक सकर इसमें बन सके। तो अब ये जो है ना, इसके अंदर मैंने सुराख करके इसके अंदर ये ऊपर कॉपर का पाइप मैंने फिट कर दिया हुआ है, जो कि इसको खींचता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए यूज़ किया था एक पीवीसी पाइप। ठीक है, ये एक पीवीसी पाइप है, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करता था तो इससे जो था वो पाइप गर्म हो गए तो यहाँ से अक्सर ख़राब हो जाता था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसको कॉपर पाइप लगाया, जो कि बेहतरीन काम कर रहा है। इसके इसके गर्म तो होता है, लेकिन ये अपनी जगह से उखड़ता नहीं है। और इसकी निब जो है ये देखें, ये तकरीबन 1 mm की है। इसके साथ आपको मार्केट में इसकी ओपनर भी मिल जाएगा, जो कि अगर इसमें गंद आ जाए तो इसकी निब में ऐसे डाल के तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन इसकी निब 1 mm की है, तो अभी तक मार्केट में इसकी जो ये दूसरी निब है वो भी अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं इसके ट्रिकी पार्ट पे। ट्रिकी पार्ट ये है, ये एक नॉर्मली सिलाई मशीन या स्विंग मशीनों के लिए यूज़ होने वाला फुट स्टार्टर है, जो कि आपको मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, इसमें मैंने किया क्या है। इसमें देखें नॉर्मली, मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूँ कि वो उसकी पोजीशन अंदर से कैसे होती है। ये मेरे पास दूसरा एक अवेलेबल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी पोजीशन क्या होती है और इसमें मैंने किया क्या है। ये देखें, ये वैसे नॉर्मली आप देख रहे हैं इसके कनेक्शंस कुछ इस तरह होते हैं, और इसका जो अंदर से ये जगह देखें, ये कुछ कार्बन होता है इसके अंदर, और ये जब प्रेस किया जाता है तो ये इसके साथ आके टच होता है। ठीक है जी, तो इसको मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये अक्सर अंदर से ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से फिर वो बहुत मुश्किल होती है, दोबारा मिलता नहीं है, तो फिर वो उसको यदि पूरा चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ मॉडिफिकेशन इसमें की है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। जी दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इसमें हमने किया क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर की कुछ चीज़ नज़र आ रही है आपको,
ये एक पुश बटन है, ठीक है, पुश बटन है। मैं आपको पुश बटन भी दिखाता हूँ, ये देखें, जो कि मेरे पास पहले से अवेलेबल है। ये देखें, इसमें ये पुश बटन लगाया गया है, ठीक है जी। और इसकी कुछ डायग्राम कुछ ऐसे होती है, ये देखें, अंदर से इसकी डायग्राम ये है, जो कि इसका सिंबल होता है, ये अंदर से ऐसे जुड़ता है, ठीक है जी। और इसको मैंने, ये देखें, ये पुश हो रहा है, सेम चीज़ इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है जी। और ये थोड़ी सी ऊपर मैंने ग्लू लगा दी है, ये देखें, ग्लू लगी हुई है, ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रेस हो गया, देखें, इस तरफ से तार को बाहर निकाला है, ठीक है, ये सुराख क्योंकि ओपन है, इसके अंदर से निकाल दिए। तो आराम से आप इसको देखें पुश बटन में चेंज कर सकते हैं, देखें, आराम से, बहुत आसानी के साथ। दोस्तों, ये है इसकी वायरिंग डायग्राम। लेकिन मज़ीद वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। दोस्तों, आप इस सारे डिसोल्डिंग स्टेशन को इलेक्ट्रिक देंगे और इसको डिसोल्डिंग आयरन जो इसको गर्म करेंगे और आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये कितनी अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों, अब हमारा डिसोल्डरिंग सकर है, देखें, वो गर्म हो गया, देखें, ये गर्म हो चुका है, ठीक है जी, ये रेडी हो गया। और ये देखें, हमारा डिसोल्डरिंग सकिंग पम्प जो है वो काम कर रहा है। देखें, आपको शायद आवाज़ आती होगी, आवाज़ देखें, चलिए मैं आपको सक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हम एक सर्किट हमने पीसीबी होल्डर में पकड़ लिया है। और ये पीसीबी होल्डर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसे पहले से ये वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके तो ये वीडियो देख सकते हैं। आए, आप हम इसको आपको डिसोल्ड करके दिखाते हैं जी। दोस्तों, अब पहले डिसोल्ड करने से पहले अब हम इनको थोड़ा सा इनमें सोल्डर भर देंगे। सोल्डरिंग इस तरह करने से जो हमारा पॉइंट होता है वो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है, नरम हो जाता है, तो उसको डिसोल्ड करना बहुत आसान होता है। अब जो है, आप इसको देखें, ये गर्म किया और देखें, ये थोड़ा सा 360 डिग्री में इसको मूव करें, ठीक है जी। फिर देखें, ये दूसरा हो गया, ये देखें गर्म हो रहा है, गर्म किया, फिर इसके बाद इसको 360 डिग्री में डिसोल्व कर दें। देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें बहुत आसानी से ये गर्म हो गया, निकल रहा है, ठीक है जी। दोस्तों, अब आप एक और पार्ट को हम निकालेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा सोल्डर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सकिंग के लिए आसानी हो जाए। अभी देखें, फिर से देखें, ये इसको गर्म किया थोड़ा सा और देखें, ये हो गया। फिर इसको दूसरे को देखें, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। और देखें, ये फिर से दूसरा पार्ट हो गया। और ये तकरीबन ये सारा प्रोजेक्ट जो है आपका 3000 में रेडी हो जाएगा, जबकि ऑटोमेटिक डिसोल्डिंग स्टेशन 24 से 25 हज़ार रुपये में मार्केट में अवेलेबल है।